नमस्कार चाषी भाई मैंने मु आनंद आपण मानक स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल आनंद रश्मि को आसतु आज आम आलोचना करवा कपा बिहन पैकेट भितर से ही छोटिया कपा पैकेट विषय जहाँ को आम नन बीटी कपा कहू मुख्यतः चाषी मैंने अंडरा कपा कहते विभिन्न अर्थकारी फसल मध्य कपा फसल अन्यतम यह धलासुना कपा चाष रे भारत समग्र विश्व रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि। वर्तमान भारत रे सर्वाधिक बीटी कपा बिहन व्यवहार करी कपा चाष करा जाउछि। यहार मुख्य कारण होउछि कपा फसल रे लागुथवा विभिन्न अनिष्टकारी कीट। मुख्यतः कपा फसल रे दि प्रकार रो कीट बा पोको आक्रमण करिथाय। सेमाने हेले शोषक पोको ओ बिंधा पोको बा चोबई खाउथवा पोको। शोषक पोक मानक मध्य जो पोक लाखी पोक मुकुणिया पोक और धलामाछी मुख्यतः कपा फसल लगी था। बिंधा पोक चोबई खाऊ पोक मानक मध्य आमेरिकीय बकरा बिंधा पोक पाटल बकरा बिंधा पोक और विचलित बकरा बिंधा पोक मुख्य। यही बिंधा पोक कपा फसल को विशेष भाव में क्षति करिथाय। यही पोक मानक आक्रमण द्वारा कपा फसल शतकड़ा 90 भाग पर्यंत क्षतिग्रस्त होता है। वैज्ञानिक माने यही समस्या को दूर करने बीटी कपार उद्भावन करिछंती। कपा बिहन रे जीनियो परिवर्तन प्रणाली रे बेसिलस थुरंजेनेसिस नामक एक जीवाणु रो जीन को कपा मंजी मध्य रखा जाइछि। या फल रे बकरा बिंधा पोक कपा गछर फल पत्र फूल बा बकरा को खाइले से निस्तेज हो पड़ी रहे और 72 घंटा मध्य मृत्युमुख में पड़ था। यही ज्ञान कौशल को बोलगार्ड बा बीजी कहा जाए। देखंतु यही बीटी कपा बिहन पैकेट भितर थिबा से ही छोटिया 120 ग्राम रो नॉन बीटी कपा बिहन पैकेट को यहाँ को आमे बीटी कपा फसल जमीर चारिपाखे 2-3 धाड़ी बॉर्डर फसल भाव बढ़िया। यहाद्वारा बकरा बिंधा पोक आम मुख्य बीटी कपा फसल न लगे नॉन बीटी कपा फसल लगे और यही नॉन बीटी कपा को खाई तार जीवन निर्वाह करे। किंतु चाषी मैंने नॉन बीटी कपा बिहन को बीटी फसल चारिपाखे न लगाई फोपाड़ी दे थांती। यहाद्वारा बकरा बिंधा पोक बाध्य हुए बीटी कपा फसल को खाइबापी। तेब एठी गोटे प्रश्न आसुची जे आमे तो बीटी कपा करुछु आउ एही फसल बकरा बिंधा पोकंक पई विष सेमाने एही कपा को खाइले 72 घंटा मध्य रे मरि जांती। ताहा हेले आमे नॉन बीटी कपा बिहन को लगाइबा काही कि एठी आपण मानकु गोटे कथा कहि रखुची जे नॉन बीटी बॉर्डर क्रॉप न लगाइबा द्वारा एही बकरा बिंधा पोक बीटी कपा फसल को खाई चलती और तार प्रतिरोधक शक्ति दिनक दिन वृद्धि करष पर एक दिन आसब जेबे एही बकरा बिंधा पोक बीटी कपा फसल को खाई मरबना कारण से बीटी कपा प्रति तार प्रतिरोधक शक्ति हासिल कर सारी और बीटी कपा को खाई फसल नष्ट कर। गोटे उदाहरण देवाक चाहूँ जदि आपण को गोटे प्लेट्रे रसगोला देवी और आउ गोटे प्लेट रे कलरा भजा तेबे आपण कौन खाइबा को पसंद करिवे निहाती भाव रे रसगोला। ठीक सेमिति बकरा बिंधा पोक पई नॉन बीटी कपा हेउची रसगोला ओ बीटी कपा हेउची कलरा भजा। आमे ताकु रसगोला बा नॉन बीटी कपा बिहन जमीर चारिपाखरे न लगे ताकु खाइबा को देउ नाहंती। तेणु से केते दिन पर्यंत कलरा भजा बा बीटी कपा को न खाई रही पारिबो से बाध्य होई दिने ना दिने बीटी कपा खाइबा को लागिबो। ओ आमे विभिन्न रासायनिक औषध कपा फसल रे प्रयोग करी अजथारे खर्चांत हबा। तेबे आज ही ठीक समय अछि आमको से ही नॉन बीटी कपार छोटिया पैकेट को न फिंगी बीटी कपा फसल रे चारि पाखरे 2-3 धाड़ी लगेबा को पड़िबो। नचेत आउ किछि वर्ष परे एही बकरा बिंधा पोक दाउरु
କପା ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ।